लू लगना एक आम बात है। इससे बचने के लिए हमारे घर में ऐसी कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जिसका इस्तेमाल करके हम लू लगने की समस्या से बच सकते हैं। यह घरेलू नुस्खे काफ़ी असरदार होते हैं और आपको इन्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लू लगने की सबसे बड़ी वजह है शरीर में पानी की मात्रा कम होना, इसीलिए गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शरीर के कुछ खास अंग जैसे कि आँख, कान, नाक, इनकी सुरक्षा ज़रूरी है क्योंकि इनके ज़रिए गर्म हवाएँ शरीर में प्रवेश करती है और व्यक्ति लू का शिकार हो जाता है। इसलिए बाहर निकलने से पहले चेहरे को स्कार्फ या रुमाल से ढक ले। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जिससे आप लू लगने की समस्या से बच सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लू से बचने के लिए सबसे पहला जो उपाय है, बेल या नींबू का शरबत आप पी सकते हैं। यह आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। दूसरा जो है, पानी में ग्लूकोज मिलाकर पीते रहने से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे आप थकान महसूस नहीं करेंगे। तीसरे नंबर का उपाय है जिससे कि आप लू लगने से बच सकते हैं। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी न हो इसलिए ककड़ी जिसे खीरा कहते हैं या तरबूज खाना चाहिए। इसके अलावा फलों का जूस का सेवन भी आप कर सकते हैं। कच्ची प्याज लू लगने से बचने का बेहतरीन उपाय है। आप खाने के साथ कच्चा प्याज सलाद बनाकर खा सकते हैं। धूप से निकलने से पहले पूरे अंगों को ढकने वाले कपड़े पहने, संभवतः सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, इससे गर्मी कम लगेगी। बाहर निकलने से पहले अपने हाथ में पानी की बोतल रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे। खाली पेट बाहर ना निकले, कुछ खाकर ही बाहर निकले। सातवें नंबर का जो उपाय है, गर्मियों में आम का पन्ना पीना चाहिए। यह कच्चे आम का शरबत जिसे पन्ना कहते हैं, यह आपको लू लगने से बचाता है। इसी के साथ जो आठवां उपाय है, धनिये को पानी में भिगोकर रखें, फिर उसे अच्छी तरह मसलकर और छानकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर पिए। नौवां नंबर का जो उपाय है वह है, बाहर से आने पर तुरंत पानी ना पिए। जब आपके शरीर का टेम्परेचर सामान्य हो जाए तब आप पानी पिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट होम रेमेडी की ओर। इमली के बीज को पीसकर उसे पानी में घोलकर कपड़े से छान ले। इस पानी में शक्कर मिलाकर पीने से लू से बचा जा सकता है। इसके अलावा आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं जिससे कि आप लू की समस्या से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। जल्द ही हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू।